वो तो देखो, जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो दो चार तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। गीदड़ बेचारे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी प्राकृतिक होता है, उसका भी प्रकृति में कोई योगदान होता है। तो मैं निराशा करता हूँ कि हमारे कांग्रेस की भी जब मंत्री लोग आते हैं दिल्ली, तो इस आदमी की चकाचौंध में जो है ना, ये लोग कूद पड़ते हैं। अरे कुछ हम लोगों से भी पूछ लो, हम लोग कांग्रेस के हैं तो उससे क्या हुआ, दिल्ली के नागरिक भी हैं। आम आदमी पार्टी को जो इंडिया अलायंस है उसमें जगह दी गई है, तो ये तालमेल कैसे बैठेगा? अगर नहीं, देखिए वो तो देखो, जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो दो चार तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो आप उपमा तो गीदड़ से कर रहे हैं फिर आम आदमी पार्टी के? नहीं, गीदड़ से भी नहीं करेंगे यार, गीदड़ बेचारे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी प्राकृतिक होता है, उसका भी प्रकृति में कोई योगदान होता है। ये बातें तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, और इसमें नई बात क्या। मैं तो बल्कि दिनेश जी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको देखने जाना ही था तो ये प्रोत्साहित क्लिनिक में गो गए जो मंत्री जी लेके गए। मंत्री जी तो अपनी सबसे बेहतरीन क्लिनिक में लेके जाते हैं ना। इसके पहले तमिलनाडु के भी मंत्री एक आए हुए थे, वो गए थे क्लिनिक देखने, उसके बाद मुझसे मिले थे, तो मैंने उनको कुछ और क्लिनिक का भी पता बता दिया था। और वो जब वो क्लिनिक देख कर आए, तो उसके बाद जब वो कह रहे थे कि हम तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके लोगों ने बताया कि ये वहाँ कह दिया गया कि कोई खबर गलती से भी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में चला जाए। हमारे यहाँ निज़ामुद्दीन, मैं आपसे कहूँगा, अभी जाते जाते आप जब यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे और लेफ्ट बस्ती की तरफ, अब आप लोधी कॉलोनी की तरफ मुड़ेंगे, तो बाईं तरफ एक मोहल्ला क्लिनिक है, जरा उसकी आप फोटो लेते जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी एक बार दिखा दीजिएगा कि इस मोहल्ला क्लिनिक में हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं लेकर आए गुंडू राव जी को, जो जब से इनॉग्रेट हुई है तब से बंद पड़ी है ये। तो बल्कि मैं थोड़ा सा इसमें कभी कभी मैं निराशा करता हूँ कि हमारे कांग्रेस की भी जब मंत्री लोग आते हैं दिल्ली, तो इस आदमी की चकाचौंध में जो है ना, ये लोग कूद पड़ते हैं। अरे कुछ हम लोगों से भी पूछ लो, हम लोग कांग्रेस के हैं तो उससे क्या हुआ, दिल्ली के नागरिक भी हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अपने लोगों से बात करने से ज़्यादा किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा ज़्यादा होता है। खैर अच्छा है, गुंडू राव जी एज गृहमंत्री, एज हेल्थ मिनिस्टर आए, उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया और इस बात को आज थोड़ा बहुत मीडिया भी इसको आगे चला पाया। ये जो कहानी चाहे आमिर पादनी क्लिनिक की हो, चाहे स्कूलों की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे पानी की हो, सुएज की हो, इन सब में दिल्ली जो देश में एक तरीके से एक बेहतरीन उदाहरण बन के सबके सामने उतरा था, आज भी दिल्ली एक बेहतरीन उदाहरण बन के उतरा है। वो बेहतरीन उदाहरण जिसका कभी भी किसी को भी अनुसरण नहीं करना चाहिए। दिल्ली आज मिस गवर्नेंस, करप्ट गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का एक तरीके से केस स्टडी बन गया है। हिंदुस्तान में